गुरुकुल में शिष्यों की शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी और आज उनका आखिरी दिन था। गुरुकुल की परंपरा के अनुसार गुरुजी अपने शिष्य को आखिरी उपदेश देने की तैयारी कर रहे थे। जब सारे शिष्य गुरुकुल के मुख्य कक्ष में इकट्ठे हो गए तो गुरुजी ने अपना उपदेश देना शुरू किया। उनके हाथ में लकड़ी के कुछ खिलौने थे। उन्होंने शिष्यों को वो खिलौने दिखाते हुए बोले, मेरे हाथ में जो ये खिलौने हैं, आपको इन तीनों में से अंतर खोजना है। गुरुजी की आज्ञा पाकर शिष्य बड़े ध्यान से खिलौनों को देखने लगे। वो तीनों लकड़ी के बने हुए खिलौने थे। बिल्कुल एक समान दिखने वाले गुड्डे थे जिनमें अंतर खोजना बहुत मुश्किल था। तभी एक शिष्य ने एक गुड्डे को परखते हुए कहा, अरे ये देखो, इसके कान में छेद है। यह संकेत काफी था। इतने में सारे शिष्यों ने एक एक करके उन तीनों में अंतर खोज लिया तो उन सब ने गुरुजी से बोला कि गुरुजी, इस गुड्डों में बस यही एक अंतर है। एक के कानों में छेद है, एक के मुंह में और एक कान में छेद है, और एक के केवल एक कान में छेद है। उनका जवाब सुनकर गुरुजी बोले, बिल्कुल सही कहा। अब गुरुजी ने शिष्यों को धातु का एक पतला तार देते हुए उसे गुड्डे के कान में डालने को कहा। शिष्यों ने वैसा ही किया तो क्या देखते हैं, एक गुड्डे के कान से होते हुए वो तार दूसरे कान से निकल गया। एक और गुड्डे के कान से होकर वो तार मुंह से निकल गया। जबकि एक के कान में तार डालने पर वो कहीं से नहीं निकला। इस पर गुरुजी ने उन्हें समझाया कि देखो, इसी तरह तुम्हें जिंदगी में तीन तरह के लोग मिलेंगे। एक वो जिनसे अगर तुम कुछ कहते हो तो वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। ऐसे लोगों के साथ कोई भी बात तुम शेयर मत करना। एक वो लोग होंगे जो तुम्हारी बातें सुनकर किसी और के सामने जाकर कहेंगे, ऐसे में उनसे कोई भी अहम बात शेयर मत करना। और एक वो होंगे जिनसे तुम कोई भी बात कहोगे जिन पर तुम भरोसा कर सकते हो, उसी तीसरे गुड्डे की तरह, और उनसे तुम किसी भी बात के विषय में सलाह ले सकते हो। ऐसे लोग तुम्हारी ताकत बनेंगे। बस आपको लोगों की सही परख होना आवश्यक है। जीवन में जरूरी होता है सही और विश्वासपात्र लोगों की परख करना।